जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी देखने सुनने समझने वाले लोगों का, विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का और ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जिन्होंने RDVV यूनिवर्सिटी में किया है अप्लाई, यानी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यदि आपने भी किया है अप्लाई तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है विश्वविद्यालय। यदि आपने यहाँ PhD के लिए किया है अप्लाई और वेट कर रहे हैं अपनी प्रवेश परीक्षा का, तो आपके लिए पाँच अपडेट आए हैं। अंगूठा ही मान लीजिए, उंगली ही काउंट करते हैं, वैसे तो अंगूठा ठेंगा होता है, लेकिन पांच अपडेट आए हैं। पांचों अपडेट क्या हैं उसको सुनेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने सुनने समझने के उपरांत मन में कोई सवाल हो, शंका हो, तो भाइयों बहनों सवाल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। सबसे पहली चीज और पहला अपडेट, 5 अक्टूबर को होने वाली प्रवेश परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। समझ लीजिए, 5 अक्टूबर को अब आपकी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, इसीलिए अब आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 2 या 3 दिन में जो आने वाला था अब नहीं आएगा। समझ लिया पहला अपडेट। दूसरा अपडेट यह है कि यदि किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई थी, उसको अब कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा फॉर्म में करेक्शन करने का। एक अपडेट और आया है कि यदि आपने अप्लाई नहीं किया है अभी तक इस विश्वविद्यालय में, तो ओपन फिर कर दिया है लिंक एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का 25 अक्टूबर 2021 तक। 25 अक्टूबर 2021 तक यदि आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए, दोबारा से लिंक को ओपन कर दिया है और लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। चलते हैं अगले अपडेट पर। जब आपको ये मालूम चल गया कि 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 25 अक्टूबर तक तो प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है, जो प्रवेश परीक्षा 5 अक्टूबर को होनी थी, अब मान लीजिए 25 अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है, तो इसका मतलब आपको लगभग 3 वीक का और समय मिल गया है अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक, बताऊंगा आपको एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस कब होगा, ये भी बताऊंगा, थोड़ा तसल्ली रखिए, वेट कीजिए। यूनिवर्सिटी ने जो तर्क दिया है, क्या तर्क दिया है कि एग्जाम आपका क्यों नहीं हो सकता है, यूनिवर्सिटी ने एक नहीं बल्कि दो तर्क दिए हैं। तर्क क्या है कि UGC नेट की परीक्षाएं होने वाली थी जो कि टल गई है। अब देखिए, या फिर NDA बेवकूफ है या यूनिवर्सिटी ऑफ दुर्गावती बेवकूफ है। कल ही जो मैंने परसों 1 अक्टूबर को ही NTA का नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम की डेट को चेंज कर दिया गया है। हवाला क्या दिया है, किसी मेजर एग्जाम की वजह से। रानी दुर्गावती तर्क दे रहा है कि NTA नेट एग्जाम की वजह से यह प्रवेश परीक्षा नहीं हो सकती है, यानी कि यही लगता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा NTA के नए शेड्यूल को देखा ही नहीं है, जो कि 17 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में है। तो यदि 27 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा हो गई RDVV की, तो भी हो सकता है एग्जाम ना हो, लेकिन तर्क दिया है कि JRF और नेट की परीक्षा के कारण 5 अक्टूबर की होने वाली प्रवेश परीक्षा को नहीं लिया जा सकता है, ये तर्क दिया गया है। ठीक, एक अगला अपडेट सुन लीजिए। प्रवेश परीक्षा की डेट है 30 अक्टूबर 2021। प्रवेश परीक्षा की डेट है 30 अक्टूबर 2021। अब इसको थोड़ा टेक्निकलिटी से समझ लीजिए, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने प्रवेश फॉर्म भरने की डेट को 3 बार एक्सटेंड किया है, पोस्टपोन किया है, आगे बढ़ाया है। ये तीसरी डेट है, पहले किया था 15 सितंबर, फिर उसको किया गया 30 सितंबर और अब उसको किया गया है 25 अक्टूबर। तो यदि आपने 13 सितंबर से पहले फॉर्म भरा है या 30 सितंबर से पहले फॉर्म भरा है या 25 अक्टूबर को फॉर्म फॉर्म भर देंगे, तीनों ही स्तर में आपकी प्रवेश परीक्षा 30 अक्टूबर को ली जाएगी। डेट है 30 अक्टूबर लेकिन होगी ही, ये कोई मैं नहीं कह सकता, इसकी मेरे पे कोई पुष्टि नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है कि 30 अक्टूबर को आपका प्रवेश परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि एडमिट कार्ड की डेट नहीं दी है। क्योंकि NTA एग्जाम लेता है तो 2 या 3 दिन पहले ले लेता है, क्योंकि इफ्लू की एक प्रवेश परीक्षा हुई थी 9 सितंबर को और 7 सितंबर को एडमिट कार्ड आया था, और वहीं BHU की एक प्रवेश परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर को, BEd की होने वाली थी लेकिन 1 अक्टूबर की ही सुबह BHU ने BEd की प्रवेश परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया। उसी दिन कुछ घंटे के अंतराल पे बच्चे पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पे एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम देने के लिए, पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो आप भी ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ भी जाए 27 या 30 अक्टूबर तक, लेकिन हो सकता है सेंटर पर पहुंचने पर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, फिर कोई नई परीक्षा आ गई, हो सकता है, क्योंकि अभी UGC नेट ने एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया, आप सभी जानते हैं। यदि कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं चुनाव की तारीख ना आ जाए किसी राज्य में, हो सकता है फिर उसको एक्सटेंड कर दे नेट के एग्जाम की डेट को, और यदि नेट के एग्जाम की डेट आगे बढ़ती है
100% रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पीएचडी की प्रवेश परीक्षा की डेट फिर से आगे बढ़ जाएगी। नवंबर में जाके पेपर दीजिएगा, आराम से दीजिएगा। तो यही 3-4 अपडेट थे जो मैंने आपको बताए। क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने से पहले एक दूसरा वीडियो बनाया था रानी दुर्गावती का मैंने, जो मेरे चैनल पर आपको मिल भी जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। उसको मैंने डिलीट नहीं किया, डिलीट में 6 बजे ही करूंगा उसको, ठीक। ये वीडियो भी आपको 5 बजे तक मिल जाएगा, अब जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि लगभग दोपहर 3 बजे तक, 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक कोई नोटिफिकेशन नया नहीं आया था कि एग्जाम कब होगा। दोपहर 3 बजे के बाद ये नया नोटिफिकेशन अपडेट आया है, इसीलिए मुझे दूसरा वीडियो शूट करना पड़ रहा है जिसको आप लोग देख रहे हैं। दिए गए सूचना को लेकर मेरे से कोई सवाल हो आपकी, आपकी कोई क्वायरी हो तो उसको मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, या मेरे अग्रज देख रहे हैं, या मेरे अनुज देख रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, फिजिकल दूरी बनाए रखिएगा, पुस्तक के पास रहिएगा, परिवार के पास रहिएगा, और अपने का साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतिएगा, चाहे किसी भी परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन का बहुमूल्य 6.25 मिनट मुझे देने के लिए। जय हिंद, सलाम।